खड़ो। हाँ बिल्कुल स्ट्रेट। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। ये है सुबह मॉर्निंग का रूटीन यशवी के साथ। हम लोग थोड़ा सा योगा करते हैं, तो मैं यशवी को भी थोड़ा योगा करने की प्रैक्टिस करा रही हूँ ताकि वो हैबिट में आए और उसको योगा होस्ट कर सके। तो शुरू में आपने देखा होगा वो थोड़ी बहाने मार रही थी क्योंकि वो योगा करने में थोड़ी देर करती है, बट उसके बाद थोड़ा सा नौटंकी चालू हो जाती है उसकी। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज का वीडियो मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ और अभी आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ। उसका रीज़न ये है कि आयु की तबीयत बहुत ख़राब है। आयु को फीवर आ रहा है और पता नहीं उसे क्या दिक्कत है, डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं, बट थोड़ी सी फीवर की वजह से और कोई शायद दर्द है उसको, तो चिड़चिड़ी सी हो गई है और सो रही है। अभी आप देख सकते हैं वो सो रही है, उसको भी सुलाया है बेड पर और बहुत रो रही है, बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ रही है। पहले वो दादी के पास चली भी जाती थी, अभी आजकल 2-3 दिन से क्या है वो दादी के पास भी अपने नहीं जा रही है। तो बस उसे डॉक्टर को दिखा रही हूँ, देखिए 1-2 दिन शायद लगे उसे सही होने में। तो प्लीज़ गाइस प्रे करिए मेरी बेटी जल्दी सही हो जाए और फिर से खेलने लगे, हंसने लगे, क्योंकि उसको बहुत दिक्कत है और रात में भी बहुत रोती है। तो इसी वजह से मैं वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो उनकी केयर बहुत करनी होती है और यही सब कारण है कि आजकल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। पहले मेरी दीदी की तबीयत ख़राब थी, अब मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो गाइस शायद आयु को वायरल हो गया है क्योंकि उसके फीवर के साथ थोड़ा सा उसके फेस पे हल्का सा दाने भी आ गए हैं। तो कल मैं डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला है इसको शायद वायरल है, फीवर है, इसलिए उसको टाइम लग रहा है। और मैं अभी फिर से आपसे बात करती हूँ। तो आयु देखिए जग गई है। आयु बेटा मेरा, बेटा बेटा देखे 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 क्या हो गया, अल्ले मेरा बाबू। तो गाइस आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस ये है कानपुर में मज़ार है, ये है कंपनी बाग में SBTI कॉलेज के अंदर बना हुआ है, बहुत ही शांति वाला जगह है यहाँ पर। हम लोग एक्चुअली थर्सडे का दिन था और आयु थोड़ा अच्छा फील कर रही थी, तो शाम को इनके पापा जब आए और हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर निकल आए थे। एक्चुअली यहाँ पर मुझे चादर चढ़ानी थी, तो आयु के होने पे मैंने मांग रखी थी कि मैं चादर चढ़ाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ आकर मैंने इनके पापा से बोला कि अगर आप जल्दी आ गए हों तो हम लोग चलते हैं। तो इसी वजह से मैं यहाँ आई थी। ये मज़ार है, अच्छी मान्यता है यहाँ की। आप लोग कभी भी आइएगा कानपुर, तो ये कानपुर में SBTI कॉलेज है, पत्थर कॉलेज को बोलते हैं, उसके अंदर बना हुआ है, बहुत शांतपूर्वक जगह है, अगर आप आएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है मज़ार। गाइज ये जो वीडियो है ये है दूसरे या तीसरे दिन की, जो मैं आपको इसी वीडियो के साथ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली मेरी दीदी की तबीयत मैंने बताया था ख़राब हो गई थी, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद जब वो ठीक हो गई थी तो बच्चों को घुमाने के लिए हम लोग मोती झील गए थे। मोती झील पार्क है, बहुत ही अच्छा पार्क है और आप शायद कानपुर आए हों तो आप घूमे भी होंगे। तो ये हम लोग गए थे, मेरा भाई भी आ गया था और मैं भी ऑफिस से डायरेक्ट वहीं पहुंच गई थी यशवी को लेकर। आयु थोड़ी सही हो गई थी, उसको फीवर भी नहीं आ रहा था, वो अच्छा फील कर रही थी, तो यशवी को थोड़ा सा घूमना था पार्क में, तो मैं उसके साथ यहाँ पर आ गई थी। मम्मी भी आई हुई हैं और दीदी के बच्चे थे, दीदी है अब वो थोड़ा अच्छा फील कर रही थी तो वो भी आ गई थी। थोड़ा सा घूमना भी हो गया और थोड़ा फ्रेश एयर जो होता है वो मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं अच्छा पार्क बना हुआ है, यहाँ पे झूले भी हैं और यहाँ पर बोटिंग भी आप कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे झूले हैं। अभी मैं आपको आगे शेयर करूँगी, बच्चों ने बहुत झूले झूले, ये बहुत बड़ा पार्क है। मॉर्निंग के टाइम आकर आप वॉक कर सकते हैं, इवनिंग में भी वॉक कर सकते हैं, अपने फैमिली के साथ भी आकर घूम सकते हैं। तो ये है मोती झील पार्क। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मोती झील के
पार्क के जस्ट बगल ग्राउंड है, वहाँ पर ये मेला लगता है। यहाँ पर जिसको बोलते हैं डिज्नीलैंड टाइप का मेला है, यहाँ पे बड़े झूले, हर टाइप के झूले होते हैं। मैं शादी से पहले यहाँ जाती गई थी, बट अभी शादी के बाद नहीं जा पाई हूँ क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो जाना नहीं हो पाता है, और बहुत बच्चे छोटे हैं और वहाँ का झूला थोड़ा बहुत रिस्की होता है बच्चों के लिए। ये देखिए आयु और सॉरी यशवी और काव्या ये अपनी झूला झूल रही हैं, स्लाइडिंग कर रही हैं। इन लोगों को बहुत मज़ा आया था, और इसके अलावा इन लोगों ने बहुत सारे झूले झूले हैं, तो वो आपको मैं अभी दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है बच्चों का झूला जो मोती झील के अंदर ही है, जो पार्क है वहाँ पे। मोती झील अगर आप कभी जाएंगे तो वहाँ दो पार्क हैं, तो ये दूसरा पार्क जो नया पार्क बना हुआ है उसके अंदर ये सारे झूले हैं। ये बच्चों से रिलेटेड देखिए प्लेन वाला झूला है, उसके जस्ट बगल में ट्रेन का भी झूला था जो यशवी और काव्या भव्या सब ने ऑलरेडी पहले झूल रखा था। ये इस बार इन लोगों ने ये ट्राई किया है ये वाला झूला, तो ये भी अच्छा था बच्चों के हिसाब से। तो इन लोगों ने खूब मस्ती की और खूब झूला झूला। और उसके बाद हम लोग झूला झूलने के बाद अभी आपको शेयर करेंगे आगे जो था। तो गाइज़ ये है मैजिक राइड, फर्स्ट टाइम मैंने भी यहाँ ट्राई किया। इससे पहले मैं मोतीझील इतनी बार आई हूँ लेकिन कभी भी मैंने ये राइड ट्राई नहीं किया है। बच्चे थे तो मुझे भी मौका मिल गया ये राइड घूमने का। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपने टाइम का। तो दीदी मैं और काव्या भव्या यशवी सब अंदर गए थे इस राइड में, तो बहुत अच्छा लगा था। आप जब आइएगा तो ज़रूर वन टाइम ट्राई करिएगा। टिकट बहुत महंगी नहीं है, 50 रुपीज़ पर पर्सन है। तो आप देखिए ये अंदर से वहाँ का जो फिल्म दिखाई जाती है वो है टीवी है, और उसके बाद ये हम लोग को वहाँ पे 3D ग्लासेस दी गई थी जिसे पहन के हम लोगों ने यह राइड किया था। और जो आपको मैं अगर बता दूँगी तो सारा मज़ा निकल जाएगा, तो जब भी आइएगा वहाँ जाइएगा तो आपको खुद इन्जॉयमेंट होगा, खूब मज़ा आएगी। तो ये सारी चीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर करती हूँ ताकि कभी भी आप कानपुर आइए तो ये इन्जॉय ज़रूर कीजिए, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।